आगरा में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, एक ढूंढो हजार मिलेंगे। वहीं मरीजों की जान से खिलवाड़ कर मरीजों को मौत की नींद सुला देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही सवाल जब मीडिया ने प्रमुख सचिव से पूछा तो उन्होंने यमुना पार चल रहे अवैध हॉस्पिटल और डॉक्टरों के प्रति कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, ऐसा है ना कि ये बहुत बड़ी समस्या है और आगरा में निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये मेडिकल्स का बहुत पुराना सेंटर है। तो अब ये समीक्षा का बिंदु कल जब जिला की समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से बिंदु रहेगा, और अगर FIR के आदेश हुए हैं तो FIR होनी भी चाहिए, और अगर उसको बंद करने के आदेश हुए तो उसका प्रभावी ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जो भी प्रशासनिक कदम उठाने होंगे जिला प्रशासन के माध्यम से या पुलिस प्रशासन से, नहीं हो रहा ना कभी एक्शन किया जाएगा, हम उसको करेंगे। और उसमें अगर नीचे के लोग शिथिलता बरत रहे हैं, आदेशों को नहीं मान रहे, और वही सील करते हैं, और कई बार कार्रवाई उनकी कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा संदिग्ध नजर आती है चीजों को लेकर, कार्रवाई को लेकर। तो सर, ये पर्सनली आप इस चीज को देखिए। नहीं नहीं, अब आपने जो फीडबैक दे रहे हैं निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए ही आगे प्रशासनिक कार्रवाई की। डॉक्टर अजय कपूर यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, बावजूद इसके लगातार जो अवैध हॉस्पिटल और जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनकी भरमार पूरे शहर के अंदर देखी जा सकती है। लगातार मौतें हो रही हैं, 6 साल से ज्यादा का समय हो गया जो आगरा में टिके हुए हैं, नोडल अधिकारी बने हुए हैं। क्या विभाग के पास सिर्फ एक अधिकारी ऐसा है जो लगातार विवादों में है, बावजूद उसके कार्रवाई नहीं उस पर नहीं हो रही? आपने मुझे फीडबैक दिया है तो निश्चित रूप से इसकी जो आपने शिकायत की है तो उसमें जांच की जाएगी, और सत्य पाएगी तो उस पर निश्चित कार्रवाई। एक रजिस्ट्रेशन पर एक ही दो एक डॉक्टर एक ही रजिस्ट्रेशन पर, जबकि BAMS का डॉक्टर है, बावजूद उसके वो सर्जरी कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, बड़ा मामला सवाल है, सील हॉस्पिटल में डिलीवरी कर रहा है, FIR के भी आदेश मिलते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर धर्मेश उसका नाम है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा सिर्फ कार्रवाई की बात करके पल्ला झाड़ लेता है। आगरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेबीज एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है, ARB का जो इंजेक्शन होता है, सर उसकी शॉर्टेज हो जाती है, और फिर क्या होता है बाहर से लाना पड़ता है, ले लाना पड़ता है, लंबी लंबी क्यों रहती है सर, वो जरूर इस चीज़ को आपको देखने की जरूरत है। अभी तो मुझे बताया कि वैक्सीन है, लेकिन इसकी जो दो चीज़ें एंटी स्नेक और एंटी रेबीज, इसकी कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी कमी कहीं भी ऐसी कोई आपूर्ति में कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, एक जरूर शिकायत आई थी कि वो बार बार एक मरीज आया था जिसको उन्होंने लगाया नहीं था एक PHC में, तो उस पर हमने कार्रवाई भी की उनके खिलाफ। तो इस तरह की शिकायतों पे हम लोग शासन का बड़ा स्पष्ट मंशा है कि उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही होगी, लेकिन हम इसकी समीक्षा कर लेंगे, कहीं ऐसी कमी नहीं आएगी। साल 8 और 9 के अंदर यहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम लगाया गया था तकरीबन 1 करोड़ की लागत से, केवल 3,75,000 रुपए की वजह से आज तक वो फंक्शन नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया और 4 लाख रुपए के लिए 1 करोड़ का सिस्टम जो है वो कंडम हो रहा है, ये कहाँ का नहीं लगता है? अब आप ये सब फीडबैक दे रहे हैं मुझे, तो आपने समस्या उठाई, इसका निराकरण कराया जाए। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 दिन में गड्ढा मुक्ति की नई डेडलाइन दी है। आगरा में आप सर PWD ऑफिस के सामने चले आइए, काफ़ी गड्ढे हैं, MG रोड पे भी हैं, आपके हरी पर्वत पे भी हैं, यानी सर जो वो शहर जो इंटरनेशनल फेम रखता है वहाँ सर मेन स्पॉट पर सर गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, तो गड्ढा मुक्ति अभियान तो सर बहुत बड़ा सवालों के घेरे में। नहीं, ऐसा है ना कि इन लोग की जब आदेश होता है तो उनकी टेंडर प्रक्रिया वगैरह होती होगी, जिसकी वजह से हो सकता है विलम्ब हुआ, लेकिन गड्ढा मुक्ति पे सरकार बहुत सक्रिय है, गंभीर है, और हम लोग भी जब आए हैं सामने सर, हम लोग भी जब आए हैं तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये जो उनकी मंशा है सरकार की, उस हिसाब से बजट रहते हुए कार्रवाई हुई कि नहीं, और अगर उसमें कोई कार्रवाई शिथिलता हुई है तो निश्चित रूप से रिपोर्ट करके हम लोग का दायित्व है कि हम रिपोर्ट करें और उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री के जब आदेश होते हैं इस तरह के कि गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया जाए, तो नगर निगम के अंदर एक नियम प्रावधान होता है 17(6)(b) का, जिसके तहत रातों रात सड़क बना दी जाती है, तो क्या सिर्फ गड्ढा मुक्ति के लिए ही टेंडर की प्रक्रिया अपनाना जरूरी है, जहां लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम पेशेंट ऐसे हैं जो उसमें करके चोटिल हो चुके हैं? बिल्कुल सर, टूरिस्ट सबसे ज़्यादा, जबकि आगरा सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि आप इसकी समीक्षा भी नोडल अधिकारी के रूप में करेंगे, और जो जो टारगेट्स इनको दिए हैं उसको इन्होंने पूरा कब करेंगे कैसे करेंगे उसके कल हम लोग का पूरा पूरे दिन की समीक्षा होगी, दिन जो सुबह जो हम लोग विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे उसमें इस इशू को टेकअप करेंगे और इंटेंसिव रिव्यू करेंगे, और रिव्यू में अगर उन्होंने काम किया तो जनहित का फ़ायदा होगा, अगर काम नहीं किया
तो फिर उचित दंड की संस्तुति की जाए। अभी आपने दवाइयों के बारे में पेशेंट से पूछा था कि आपको दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, यहाँ से मिल रही हैं। सबसे बड़ा इशू आता है बजट का। सरकारी महकमे चाहे जिला अस्पताल हो या SN अस्पताल हो, वहाँ बजट की बहुत कमी है। लगभग 12 करोड़ के बजट की आवश्यकता है, लेकिन उसके सापेक्ष केवल 3 करोड़ का बजट जो है वो मिलता है। तो क्या लगता है कि जब बजट कम होगा तो फिर ऐसे में डॉक्टर कैसे दवाइयाँ लेंगे? ऐसा है ना कि अब क्योंकि व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है, पहले दवाइयों का बजट सीधा चिकित्सालयों को मिलता था, अब ये व्यवस्था हो गई जब से मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन बना है कि 80% बजट वहाँ से सीधे दवाइयाँ आती हैं, 20% बजट लोकल परचेज के लिए दिया गया है। और फिर ये भी आदेश हो गया है कि जिन खासतौर पर शासकीय कर्मचारियों को या और ऐसे लोगों को जिनको अपने विभाग से मिलता है रीएम्बर्समेंट, जैसे मैं हूँ या और भी लोग हैं मेरे जैसे अधिकारी हैं, तो उनको अपने विभाग से मिलता है रीएम्बर्समेंट, तो उनको लोकल परचेज से दवाई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 80% मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को जाता है वहाँ से सीधे दवाइयाँ आ रही हैं, इसलिए दवाई की शॉर्टेज नहीं, खासतौर पर जो कॉमन दवाई हैं जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती हैं उनके शॉर्टेज ना हो, ऐसा हम लोग का पूरा प्रयास रहता है। और दवाइयों की उपलब्धता बताया गया है थोड़ा बढ़ी भी है, और इसको हम निरंतर मॉनिटर करेंगे कि कहीं शॉर्टेज ना हो, लेकिन जिला स्तर पे जो बजट है वो निश्चित रूप से कम हो गया क्योंकि सीधे दवाई।